लेडीज एंड जेंटमैन वेरी वॉम वेलकम टू द फिफ्टी सिक्स मॉड्यूल प्रसाइसव है एक सेंस में कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोशल आंटरप्र्योर नंबर वन आपके जहन में आएगा क्या नंबर टू ये कौन होते हैं नंबर थ्री ये कैसे माशरे को बनाते हैं सोशल आंटरप्रन में सबसे बड़ी हस्ती जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो नबी मोहम्मद एक ऐसा माशरा अपने आप को तकलीफ देकर एक सोशल ऑर्डर के अगेंस्ट खड़े होना और उस माशरे के अंदर जो भी डिसबैलेंस थे मैं इसको बदकारियां नहीं कहूँगा डिसबैलेंसेस कहूँगा क्योंकि आप याद रखिए कि डिसबैलेंसेस जब भी आएंगे वो नेचर के खिलाफ होते हैं जब भी कोई चीज़ नेचर के खिलाफ होती है वहां पर डेवलपमेंट और तरह की होती है लोगों को फ़ायदे हो रहे थे लोगों ने अपने बुत बना रखे थे और सदियों से उस बुतों से पैसे भी आ रहे थे और ये ख़ानदान बनो हाशिम जो है ये काबे की चाबियां भी थी और इनके अंदर जो लात उमानत और तीन सौ साठ बड़े बुत पड़े हुए थे ये उनसे पैसा भी कमाते थे यानी इसका मतलब है सोशल एक, सोशियो इकोनॉमिक रिलीजियस ये बल्कि रिलीजियस रिलीजियोसिटी बेस्ड इकोनॉमिक्स भी इनके पास थी अब यूं देखें कि जब हजूर सालातम ने कहा कि अल्लाह अल्ला व आश्रीक़ ला अबाला तो उनके तो सारे के सारे इकनॉमिक्स का बेड़ा गर्क हो गया उनके सारे जो चचा थे वो सारे इकट्ठे हो गए उन्होंने कहा कि तुम आप जो हैं वो कौन सी तबलीग करने जा रहे हैं आप हमारे खुदाओं को ख़त्म करके तो हमारी जो ख़ानदानी एक अजारादारी है हमारी जो पूरी दुनिया के अंदर जो है लोग मिसर शाम इराक पता नहीं कहाँ कहाँ से बड़े बड़े लोग तजारत भी करते हैं यहाँ पे कैंप लगाते हैं लातो मनात से मांग कर जाते हैं और हमारी एजारादारी कायम है हम बड़े सरदारान हैं और आप इधर जो हैं वो कर अलग बात कर रहे हैं उन्होंने अपने च, उनके चाचा को कहा कि जाओ समझाओ फिर सब लोग जमा हो गए तो हजूर ने फरमाया कि तुम सूरज को मेरे एक हाथ और चांद पे चांद को मेरे दूसरे हाथ पे कर दो तो भी मैं अपने अल्लाह अला वाहद शरीक को जिसको वो जिसका कोई शरीक नहीं है उसको अहद मानूंगा और ये तुम्हारे बुद्ध जो है वो तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे ये एक सोशल बिहेवियर पहला चेंज हुआ अगर चाहते तो सोशल बेनिफिट ले सकते थे लेकिन हजूर ने डिनाइल ऑफ द तो सोशल आंटरप्रनियल बिहेवियर नहीं किया हजूर ने कहा कि इस दिन के अंदर ऐसा नहीं है कि आ, कोई आंटरप्रनशिप नहीं है तजारत नहीं है आ, माशरा नहीं है माशरती खुशियाँ नहीं हैं इसमें खुशियाँ भी हैं बेहतरी भी है अखुवत भी है निज़ाम भी है और यही अख़ुवत का जो है वह मदीना पाक जब तशरीफ़ लेकर गए तो वहाँ पर देखा कि इसके पास दो घर हैं अपना एक घर अपने भाई को दे दे तो ये मसावत का एक बहुत बड़ी साइंस डेवलप हुई इसी मसावत के ऊपर डेवलप करते हुए पूरी दुनिया के अंदर हमें बहुत सारी एग्ज़ैम्पल मिलेंगी लेकिन मैं गुफ्तु के आगाज़ में आकल आकलेसलाम के इस मसावत के यानी अख़ुवत के मॉडल को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना चाहूँगा इसके अंदर आपने देखा होगा एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर मैं आपके सामने लूँ तो बिजनेस मैथड बनता है बिजनेस मॉड्यूल बनता है और उसका कंडक्ट कैसे डेवलप किया जा सकता इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ईदी साहब को मैं ट्रिब्यूट भी दूंगा और कहूंगा कि सोशल ऑर्डर और, और सोशल चेंज और सोशल आंटर की एग्जाम्पल समझनी हो जैसे मैंने कहा नंबर वन में तो आप समझिए ईदी साहब यानी तमाम के तमाम यतीम लोगों की जैसे सबसे पहले आयात आई कि वो लोग जो यतीमों का हक खा जाते हैं उन सबको पहले लेकर आना मेन स्ट्रीम में और फिर लोगों को जिनके नाजायज हक नहीं दिए जाते और फिर जो यतीम हो जाते हैं और फिर वो लोग जो विदाउट वेड लॉक पैदा होते हैं और आप माशरा उनको इज़्ज़त ही नहीं देता गुनाह किसी और का लेकिन माशरा उनको इज़्ज़त नहीं देता उनको एक्सेप्ट नहीं करता तो एदी साहब भी एक ऐसी एग्जाम्पल हुई जिसके अंदर फतावा जात भी लगे लेकिन एदी साहब ने उन विदाउट वेड लॉक बच्चों को एक झूले के नाम से एक सिलसिला शुरू किया ये एक ऐसा चीज़ें थी जो कि माशरे में पहले तकसीम को किसी ने आज तक हल नहीं किया और सॉल्व नहीं किया अब मैं आता हूं उस तरफ के ये बनता कैसे यानी सोशल प्रॉब्लम्स आते कैसे यानी पहला है आपकी विजन दूसरा डिजायर तीसरा कैपेबिलिटी और चौथा है जील जील टू डू जील डू समथिंग हैव अ डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एंटरप्रेन्योर और सोशल डेवलपमेंट और एक ऐसा माशरा जो खुशगवार माशरा और ऐसे ऑड्स जिनके अंदर ऑड्स होने के बावजूद भी उनको मेन स्ट्रीम में लेकर एक विदाउट वेडलॉक बच्चा आ गया है। तो उसका तो कसूर नहीं है एक ऐसा बच्चा जिसके अंदर जो है वो आ, उसके फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम्स हैं आप उसको डिसोन करते हैं और एक बच्चा जो अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरी क्लास में पैदा हो गया या उसके अंदर किसी किस्म की डिसबिलिटीज आ गई तो आप उनको किसी और ही कल्चर का हिस्सा बना देते हैं तो ये चीज़ों को और चेंज करके मेन स्ट्रीम में लाना एक तो ये है सोशल ऑर्डर लेकिन आप क्या करें कि जब सीधे साधे लोगों को भी यानी डेप्रीवेशन मिलती है इकोनॉमिक मिलती है गरीब अमीर क्लास कलर क्रीड और बाकी माशरेती मुसीबतें तो अलग हैं ही उसके लिए क्या किया गया तो यहाँ पे भी हमें जो है सबसे खूबसूरत बात हजूरअलातम के अखुवत मॉडल पे मिली और इसके ऊपर मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगा एक यानी बीमार लोगों को बीमार पुरसी करना एदी साहब को सबसे बड़ा खराज अकीदत के उन लोगों ने यतीमों को आगोश के नाम से और यतीमों के लिए यदि सेंटर फिर एम्बुलेंस का क्याम किसी एक इंसान की जान बचा लेना पूरी कायनात की इंसानिय और इंसानियत की बका के लिए इंसानियत को बचा लेना और फिर एक आपको पास मिसाल मिलती है अख़वत मॉडल की हम कोशिश करेंगे अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि किसी सोशल एंटरप्रेन्योर का इंटरव्यू आपके सामने पेश किया जाए ताकि हम ये समझें कि सोशल ऑर्डर कैसे बिहेव किया जाता है तो उसमें हमारे सामने एक एग्ज़ाम्पल अखुवत फाउंडेशन की भी आती है और एक बड़ी एग्ज़ाम्पल जिसके अंदर आप आज के दौर में शौकत खानम को देखते हैं जिसने कैंसर को टारगेट कर लिया कुछ लोगों ने थैलेसीमिया को टारगेट कर लिया ऐसे माशरे में बहुत से सोशल डेवलपमेंट और सोशल आंटरप्रनोर जिसके अंदर इन डेप्थ डेवलपमेंट की जरूरत रहती है वो आपके पास आते रहते हैं अब आप ये देखेंगे इस खुवत की मैं एग्ज़ाम्पल देता रहा कि तालीम सबको मुफ्त हो यूनिवर्सिटी सबको मुफ्त हो और सारे लोगों को जो है उनको बिजनेसेस दिए जाएं और 99% रिटर्न हो लिए मैंने आपको दस हज़ार कर्जे हंसना दिया तो मैक्सिमम लोग मुझे वापस कर जाएँ कितना खूबसूरत मॉडल होगा कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का बेस्ट मॉडल है जो अब तक मैंने अपनी नज़रों से नहीं देखा बांग्लादेश में अंदर एक मॉडल आया था उसको आप देख सकते हैं आ, उसके बारे में आप सोच सकते हैं लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे पास और भी आइडियाज़ आ सकते हैं मैं आइडियाज़ के ऊपर आपके सामने अभी पेश कर देता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी मज़र आते हैं उनके अंदर जो अगर आप देखें तो जितना पैसा जमा होता है उस पैसे के जरिए आप सारों को आ, यानी छोटे कर्जा जात देना शुरू कर दें और यतीमों के लिए घर बनाना शुरू कर दें और छोटे छोटे स्कूल और कॉलेजेस बनाना शुरू कर दें और होना ये चाहिए कि हम एजुकेशन को जो है वो बारहवीं तक तो लेकर जाएं और उसके बाद अगर जिसको यूनिवर्सिटीज़ में जाना है उसको प्रिवलेज दे दी जाए यानी वो प्रिवलेज ना हो एजुकेशन हायर एजुकेशन प्रिवलेज ना हो बल्कि वो शौक़ हो पैशन हो परफॉर्मेंस हो जिसने आगे बढ़ना हो अदरवाइज़ सब लोग अगर जब यूनिवर्सिटीज़ का रुख कर लेते हैं तो आपकी स्किल लेवल कम हो जाता है आप कमाने वाले कम हो जाते हैं खाने वाले ज़्यादा हो जाते हैं तो माशती तकसीम को हमें एवेलुएट करना पड़ेगा दिस इज़ हाउ वी डिस्कस इसको हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे और इस फाउंडेशन और अखवत को अख़ूत के मॉडल को और हम सोशल चेंज के मॉडल को इन्हीं पैराओं के ऊपर मज़ीद डिस्कस करेंगे के मैं और हम लोग क्या चाहते हैं थैंक यू वेरी मच